पुलवामा में सीआरपीएफ को अटैक के बाद सुरक्षा बलों ने कश्मीर में बड़ी कार्रवाई की है। सुरक्षा बलों के इनकाउंटर में पुलवामा अटैक के मास्टरमाइंड और जैश के टॉप कमांडर गायत्री रजिक को मार दिया गया है। बता दें कि पुलवामा अटैक में आत्मघाती हमलावर के सीआरपीएफ की बस को उड़ा दिया था। घटना में 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए थे। दरअसल पिछले साल त्रास में एक मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने स्पाइनर और मौलाना मसूद अजहर के भतीजे को मार गिराया था। इसी के बाद जैश ए मोहम्मद ने अपने टॉप कमांडर और आईटी एक्सपर्ट गाजी रशीद को कश्मीर भेजा। गाजी कथित तौर पर घुसपैठ कर दक्षिण कश्मीर में पहुंचे रहा था। ऐसा कहा जा रहा था कि गाजी अपने दो सहयोगियों के साथ दिसंबर में भारत में घुसपैठ किया और दक्षिण कश्मीर में छिप गया। इंटेलिजेंस सूत्रों के मुताबिक इससे पहले रत्नापुरी गाँव में कुछ ही दिन पहले मुठभेड़ में गाजी रशीद किसी तरह भाग निकलने में सफल हो गया था। बता दें कि सुरक्षा बलों ने रात 12 बजे ऑपरेशन शुरू किया था। इसमें 55 आरआर सीआरपीएफ और एसओजी के जवान लगाए गए थे। मुठभेड़ में 4 जवान शहीद हो गए हैं। आखिरकार गाजी मारा गया। सुरक्षा बलों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उस बिल्डिंग को उड़ा दिया जिसमें आतंकी छुपे हुए थे। गाजी कई आतंकी हमलों में जिम्मेदार था। गाजी ने 2008 में जैश ए मोहम्मद ज्वाइन किया और तालिबान में ट्रेनिंग ली। 2010 में वह उत्तरी वजाकिस्तान में आ गया। ट्रेनिंग लेने के बाद से गाजी आतंकी दुनिया में शामिल होगा। कुछ ही समय में उसने